बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक दुनिया के सारे बच्चों को, मेरे और आप सब के बच्चों को सही ज़िंदगी और सलामती अता कर दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के बच्चों को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना दे, दीन पे चलने वाला बना दे, दीन सीखने और सिखाने वाला बना दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के बच्चों के मुकद्दर और नसीब अच्छे कर दे। अल्लाह पाक जो बे औलाद है उनको औलाद दे दे, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे दे, जो मरीज़ है उनको शिफा दे दे। अल्लाह पाक दुनिया में जहाँ जहाँ जो कोई भी परेशानी में मुबतला है, अल्लाह पाक फ़लस्तीन, बर्मा, कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक इन सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। मेरे अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों को दज्जाल के फितने से बचा ले। अल्लाह पाक कोरोना वायरस से तमाम इंसानों को बचा ले। मेरे अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब कर दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये हमारे बन रहे हैं एज यूजुअल स्प्रिंग रोल, जो हमारे घर में मस्त बनते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी ख़त्म हो गए थे, मुझे दोबारा बनाने पड़े हैं, क्योंकि उस्मान बस दो तीन स्प्रिंग रोल ही लेते हैं, ज़्यादा उस्मान खाते नहीं हैं, तो इनके लिए मैं फिर ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं आप सबको को ये कहना चाह रही थी कि मैंने आप सबके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ, लेकिन 3 दिनों के बाद इंशाल्लाह दूंगी। और मैं बताऊंगी कि सरप्राइज क्या है। थोड़ा सा मैंने आपको सस्पिशियस कर दिया है, क्यूरियस कर दिया है कि नादिया हमें क्या खुशखबरी देना चाहती है। एक्चुअली खुशखबरी मेरे लिए खुशखबरी है, आप लोगों के लिए है कि नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। लेकिन वो मैं ये कहूंगी कि खुशखबरी भी मैं बताऊंगी, 100% हर चीज कंफर्म हो जाए तो इंशाल्लाह आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बस खैरियत हो, खैरियत हो, खैरियत हो, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा सस्पेंस में आप सबको डालती हूँ। गैस कर सकते हैं आप सब, ट्राई करें गैस करने की कि नादिया क्या सरप्राइज, क्या खुशखबरी देना चाहती है, क्या कहना चाहती है नादिया। मैं मान जाऊंगी अगर आप मान जाएं तो आप गेस कर लें। तो कोशिश करूंगी कि मैं आपको उस कमेंट का जवाब दे सकूं। आई एम रियली 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 सॉरी। आप लोगों को मेरे घर की सिचुएशन का सबको पता है कि मेरी घर की सिचुएशन कैसी है। मैं भी यकीन करें अभी खुशी के साथ थोड़ा सैड भी होती जा रही हूं, क्योंकि जब मैं सिचुएशन की बात करती हूँ तो मैं सैड हो जाती हूँ। आप सबको पता है मेरी सिचुएशन का, उस्मान की सेहत ठीक नहीं है, इतनी बच्चे हैं, मैं इनके साथ इतनी बिजी हूँ और मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही। लेकिन मैं यकीन करें मैं आप सबके लिए नमाज में ज़रूर दुआ करती हूँ। मेरी सारी बहनें जो मेरी जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, जिनके भी शादियाँ नहीं हुई हुई, उनके सब के मुकद्दर और नसीब अच्छे करे। और मेरी सारी बहनें जो मुझे अब तक कमेंट्स कर चुकी हैं, उन सबको औलाद से नवाजे, जो औलाद का ख्वाहिशमंद है, बेटी का ख्वाहिशमंद है, बेटे का ख्वाहिशमंद है, अल्लाह पाक उन सब की ख्वाहिशों को पूरा करे। और मैं ये नमाज में भी दुआ करती हूँ। और यकीन करें कि मुझे होता है, मुझे, और ये देखिए स्प्रिंग रोल जो है अभी वाइट ना है, लेकिन कैमरे में गोल्डन गोल्डन लग रहे हैं। तो ये कहना चाहती हूँ कि बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं उस्मान की तरफ से यकीन करें अक्सर मैं अपसेट रहती हूँ, स्ट्रेस में रहती हूँ, मैं इसी वजह से व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं यही रीज़न है मेरे व्लॉगिंग की, थोड़ा सा मेरा इधर दिमाग और दिल लगा हुआ है। और अभी लॉकडाउन की वजह से उस्मान का कोई भी चेकअप नहीं हो रहा, उनकी टांग में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ किसी दुश्मन को भी ना दे कोई तकलीफ ऐसी, तो जो जिसके ऊपर गुजरती है इंसान वही जानता है, कोई मैं भी नहीं जान सकती। मैं बीवी हूं ना, मैं यकीन करें मैं भी उनकी तकलीफ को नहीं समझ सकती। जो उस्मान अभी तकलीफ में है, उनकी बॉडी में तो पेन है, लेकिन अभी जब तक ये सिस्टम हालात बेहतर नहीं होते, डॉक्टर नहीं चेक कर सकते उनको, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए उनको भी। तो मैं कॉमेंट्स का अगर ना जवाब दूँ तो प्लीज माइंड नहीं किएगा, बल्कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। रमज़ान का महीना है तो अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। तो ये बन रहे हैं अभी स्प्रिंग रोल, और साथ ही मैंने आज बनाई अपने लिए गोभी आलू। अभी इसके ऊपर हरा धनिया नहीं डाला, मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गोभी आलू बनी है आज,
माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे। और अभी ये बनेंगे समोसे, काश पाकिस्तानी समोसे जो प्रॉपर पाकिस्तानी देसी समोसे हैं वो बन जाएं कहीं से अच्छे से तो मज़ा ही आ जाए। आज मैंने अपने अभी को बोला था कि आज इफ्तारी उस्मान बनाएंगे, एक्चुअली कल भी बोला था उस्मान को, आई नो काम से आए मैं थके हुए हैं ना, लेकिन कल तो उस्मान ने फिर पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लिया। कल तो मैंने 100% दिल नहीं था मैंने कहा आज उस्मान ने इफ्तारी बनानी है, लेकिन मुझे पता है इनके बैक में दर्द है, इनके लिए मुश्किल है बनानी तो, लेकिन जब उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया मैं खुश होगी, मैंने कहा ठीक है फिर। कल वैसे पिज़्ज़ा खाने का मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान, हैं मोहम्मद आदम लूज़ वेट कर रहे हैं माशाल्लाह है ना, अल्लाह मियाँ नज़र से बचाए, अल्लाह पाक मेरे बच्चे को, अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं मोहम्मद आदम माशाल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं सबके घरों का क्या सिस्टम है, लेकिन मेरे घर का तो सिस्टम ये है कि मेरे घर में कपड़े बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते, हर वक्त मैं मतलब वॉशिंग मशीन के साथ लगी रहती हूँ और कपड़ों को धोती रहती हूँ, इतने ज़्यादा हो जाते हैं इतने ज़्यादा, और बस मैं क्या बताऊँ, बस सफाई की है और बस अभी कपड़े डालने लगी हूँ हीटर पे, और साथ ही एक और वॉशिंग लगा दी है। अभी ये बीन्स वगैरह सारे बाहर फेंकने हैं, रोज़ा खोला है सब ने माशाल्लाह, और सफाई की है किचन की, सफाई की है, मप वगैरह मारा है सारा, ये देखिए साफ़ हो गया फ्लोर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा कपड़े डाल दूँ हीटिंग पे, और ये मेरे दुपट्टे, क्या हो रहा है ऊपर, अभी पीछे पेंट किया, यकीन करने दिल करा फिर दोबारा पेंट करूँ, लेकिन मुश्किल है इतना ईजी नहीं है पेंट करना, फर्स्ट रूम में मैंने किया है पेंट अभी, और बस ये कपड़े डालने लगी हूँ। वो खजूरों का डिब्बा देखें माशाल्लाह माशाल्लाह खा ही लिया, जब सबसे ज़्यादा मैंने खाया है। अभी मैं आई हूँ उठ के यस नीचे, दिखाती हूँ मौसम, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम अच्छा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह उठ के नीचे आए या कुछ भी काम हो तो देखें क्या हाल हुई हुई होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी बेहतर है, नॉट बैड। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, ओ माय गॉड ये क्या फ्रिज साफ करना शुरू कर दिया, आई नो बहुत गंदा हो रहा था। ओ जज़ाकअल्लाह उस्मान जी। खदीजा जी आप क्या कर रही हैं बेटा, डैडी ने आपको कोको पप्स दिए हैं, ईट ना बच्चे अभी आपके बाल फिक्स करती हूँ ठीक है। अच्छा ना आराम से बेटा आराम से आराम से। उस्मान फ्रिज साफ करने लग गए उस्मान। मैं एक्चुअली सुबह लेट उठती हूँ, मैं इतने जल्दी नहीं उठती, लेकिन उस्मान को लगता है आदत है जल्दी उठ जाने की, उस्मान फिर भी अपने रूटीन के मुताबिक छुट्टियों में भी जल्दी उठ जाते हैं। बस उस्मान काफ़ी ज़्यादा आई नो गंदा हुआ था, मैं सोच रही थी साफ़ करूँगी, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर दिए, शुक्रिया बहुत बहुत। अभी इंशाल्लाह ये वर्कटॉप चेंज करवाना है इंशाल्लाह। उस्मान एक ज़बरदस्त चीज़ निकली उस्मान, बस दैट्स इट प्लीज़, इतना अच्छा साफ कर दिया। हाँ जज़ाकअल्लाह उस्मान, मुझे बहुत खुश कर दिया मुझे आज सुबह सुबह। योगर्ट प्लीज, पहले कोको पॉप्स देन योगर्ट। कौन ये क्यों, एक दफा ना खदीजा यही कैसे ही करती है ना खदीजा चीजों के पीछे कि हाँ भाई हाँ बहुत अच्छा किया है। शावर ले लिया क्यों, क्यों कोल्ड वाटर, आज मेरे हबी जान को पता नहीं क्या हो गया,
बीवी को खुश कर रहे हैं। एक्चुअली मैं कहती हूँ कि दुनिया में सबसे बेस्ट रिश्ता जो है वो हस्बैंड वाइफ का है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बहनों को ज़रूर ये कहूँगी कि प्लीज़ नाराज़ बिल्कुल भी ना रहें, अपने रूम को चेंज बिल्कुल ना करें। तो अगर कोशिश करें कि सेक्टरों में मैं कहती हूँ राज़ी हो जाएं। और उस्मान हमेशा माशाल्लाह, मैं इस वजह से कह रही हूँ उस्मान की हमेशा ये आदत रही है, अगर हम दोनों में आर्ग्यू भी हो गई ना तो भी उस्मान एक मिनट भी नहीं लगता था, उस्मान ने हमेशा कह दिया ना कि हाँ जी भाई सॉरी, मेरी गलती कम ही होती है उस्मान जी प्लीज़, मेरी गलती कम ही होती है। और मज़े की बात बताऊँ, हमारी डिबेट किस चीज़ पे होती है, हमारी अपनी पर्सनल लड़ाई कभी भी नहीं हुई, पर्सनल लड़ाई नहीं होती हमारी। और क्यों उस्मान, वैसे कभी हुई? लेकिन हमारी लड़ाई हमेशा थोड़ी सी मतलब इस बात पे हो जाती है, कभी मैं कोई ऐसी बात उस्मान कर दें, क्योंकि यहाँ के बोर्न हैं तो एकदम से मुँह से निकाल देते हैं बात, तो वो मैं कहती हूँ उस्मान ये ऐसा नहीं है, ऐसा दीन में बात नहीं है। क्योंकि मैं भी नहीं कहती कि मुझे कोई दीन का बहुत ज़्यादा पता है, अगर मैं सुनी हुई वो बात तो फिर वहाँ पे जो है तो वो उस्मान को समझाती हूँ, उस्मान ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। तो वो थोड़ी सी फिर हमारी कई दफ़ा इस बात पे आर्ग्यू हो जाती है, तो मैं उस्मान को कहती हूँ प्लीज़ आप दीन की स्टडी करें, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह, और मुझे भी सिखाएं, खुद भी सीखें और मुझे भी सिखाएं। तो ये बात हमारे दरमियान में होती है। उस्मान को मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ उस्मान मुझे करने दें, लेकिन ये उस्मान अपने दिल से कर रहे हैं। आई नो यू स्टार्टेड, आज आपके बाल काटने हैं उस्मान ने, ठीक है ना इंशाल्लाह। चूल्हा साफ हो तो अच्छा लगता है किचन में, चूल्हा गंदा हो तो बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों अहमद जी? Yeah, that's true. And it looks way cleaner and way nicer. Yes. और आज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक खुशखबरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, और फिर मैं देन अगेन हो सकता है वो आपके लिए ना हो लेकिन मेरे लिए ज़रूर है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इस व्लॉग के बाद दोबारा जल्दी व्लॉग डाल दूं, 3 दिन का इंतज़ार ना ही करूं, तो इंशाल्लाह जल्दी डालूंगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूंगी, अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।